दुनिया जहान। म्यूजिकल बैंड एबा की लोकप्रिय धुनें अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार, डायनामाइट, बोफोर्स या फिर कंप्यूटर माउस। यूरोपीय देश स्वीडन को लेकर आपके जहन में जो भी पहचान मजबूत हो, वहां के लोग तो अरसे से अपने समाज के खुलेपन, लैंगिक समानता और राजनीति के उदार चरित्र पर ही इतराते रहे हैं। जहां सरकारें लोगों की जिंदगी में झांकती नहीं बल्कि समाज कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं और पारदर्शिता तय करने में जुटी दिखती हैं। हथियार निर्यात करने के मामले में आला देशों की कतार में होने के बाद भी स्वीडन ने साल 1814 के बाद से कोई जंग नहीं लड़ी है। नई खोज और नई तकनीक को बढ़ावा देने का हामी ये देश अति विकसित पश्चिमी देशों के लिए भी दशकों तक मॉडल रहा है। साल 1963 की एक टीवी डॉक्यूमेंट्री में स्वीडन का बखान कुछ इस तरह से किया गया था। स्वीडन के लोग दुनिया में सबसे अमीर हैं। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। सरकार समाज कल्याण पर ध्यान देती है। इसने गरीबी को खत्म कर दिया है। यहाँ हड़तालें नहीं होती। यहाँ हर चीज और हर कोई काम करता है। ये दुनिया का इकलौता देश है जहाँ 7 साल के बच्चे को सेक्स का सबक दिया जाता है। पैमाना खुशी का हो या संपन्नता का, स्वीडन की गिनती बरसों से आला 10 देशों में होती है। युवा हो या फिर बुजुर्ग, रहने के लिहाज से हर उम्र के लोगों के लिए इसे अव्वल मुल्क माना जाता रहा है। लेकिन स्वीडन की ये पहचान अब बदल रही है। दक्षिणी शहर मोलमो में रहने वाली एक महिला को सुनिए। We have been so lucky here. Now I think we have started to see. हम बहुत खुशकिस्मत थे, लेकिन हम अब समाज में दिक्कतें देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसका संबंध प्रवासियों से हो। अब लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे का स्कूल ठीक नहीं चल रहा है, मेरे बुजुर्ग माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है, बसें और ट्रेनें हमेशा देर से चल रही हैं, तो लोगों को लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो पहले मिलती थीं। देश की राजनीतिक तस्वीर भी बदल रही है। स्वीडन को उदारवादी पहचान देने वाली सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी का दबदबा लगातार घट रहा है। 7 दशकों यानी साल 2006 तक इस पार्टी की जड़ें मजबूती से जमी रहीं। हाल में हुए आम चुनाव में ये पार्टी जिस गठबंधन में है वो मुकाबले के दूसरे गठबंधनों से कुछ ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सका। स्वीडन गठबंधन सरकारों का अभ्यस्त होने लगा है, लेकिन इस बार बड़ा अंतर प्रवासियों का मुखर विरोध करने वाली पार्टी स्वीडन डेमोक्रेट्स को मिले वोट है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भास्मती सरकार कहती हैं कि स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी के 18% वोट हासिल करने को चौंकाने वाला नतीजा नहीं कहा जा सकता है। ये लास्ट ईयर का एक सर्वे हुआ था, तो तब भी ये अंदाजा था कि ये लोग इनका बढ़ावा होगा, क्योंकि 2015 का जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उसके तहत वहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स हुए थे, जब इकट्ठे बहुत सारे लोग आ गए थे, तब से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। साल 2015 के प्रवासी संकट के वक्त स्वीडन ने बहुत उदार रुख दिखाया था। 1,63,000 लोगों ने स्वीडन में शरण पाने के लिए आवेदन किया था। स्वीडन ने जनसंख्या के अनुपात में यूरोप के किसी भी मुल्क के मुकाबले ज्यादा प्रवासियों को जगह दी थी। करीब 1 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में 10% से ज्यादा प्रवासी हैं। प्रोफेसर सरकार को सुनिए। 2015 में जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उस दौरान आप देखेंगे स्वीडन, पहले जो स्वीडिश गवर्नमेंट थी वो बहुत एक जर्मनी के जैसे स्टांस लिया था, बहुत वेलकमिंग स्टांस था, बट एकाएक जब बहुत सारे लोग आए थे तो इनका जो व्यवस्था था, इनको जगह देने का, रहने का व्यवस्था करना है, ये इनका क्लाइमेट बहुत हार्श है, तो ये रहने का जगह देना, उनको कहाँ रहना है, कहाँ रखना है, वो सारी चीजों को लेके प्रॉब्लम हो गया था एकाएक। राजनीतिक विश्लेषक स्वीडन की राष्ट्रवादी पार्टी के उभार को इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में दक्षिणपंथी पार्टियों के प्रभाव में इजाफे से जोड़कर देखते हैं। इटली में 5-स्टार मूवमेंट ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। जर्मनी में ADF पार्टी पहली बार संसद में पहुंचने में कामयाब रही। ऑस्ट्रिया में फ्रीडम पार्टी सरकार में शरीक है और फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मरी लापेन ने चुनौती पेश की थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं कि ये बदलाव पहचान के संकट से जुड़ा है। जो भी हुआ 2015 के माइग्रेशन क्राइसिस में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। उसने कहीं पर यूरोपियन आइडेंटिटी को
झकझोर के रख दिया है। वो ये सवाल उसने खड़े करे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो यूरोप की अपनी आइडेंटिटी क्या रह जाएगी। ये सवाल जो ब्रिटेन ने तो उठाए ब्रेक्सिट में, लेकिन आप देखें तो ये जो स्वीडिश की पॉलिटिकल पार्टी है ये भी अपना ब्रेक्सिट चाहते हैं, स्वीस ब्रेक्सिट। इस बार आम चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 6% ज्यादा वोट हासिल करने वाली स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता यिमी ऑकासन का दावा है कि उनकी पार्टी में नस्ल भेद को बर्दाश्त नहीं किया जाता। स्वीडन में हर 6 में से एक व्यक्ति का वोट हासिल करने वाली ये पार्टी अपनी पहचान बदलने में जुटी है। महिलाओं और ऊंचे तबके को साथ लाना इसकी प्राथमिकता में शुमार हो गया है, लेकिन अब भी इसकी पहचान प्रवासियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने को लेकर है। ये पार्टी यूरोपीय यूनियन से अलग होने की मांग उठाती है और जनमत संग्रह कराना चाहती है। हर्षपंत का आकलन है कि यूरोप की बाकी दक्षिणपंथी पार्टियों की तरह ही ये पार्टी भी पहचान के संकट को उठाकर अपना आधार बढ़ाना चाहती है। इसमें सर्टेनली एंटी इस्लामिक फ्लेवर भी है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं पर एंटी इस्लाम रही हैं और एंटी इस्लाम इनकी पॉलिसी रही है। तो फंडामेंटली एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन मुझे नजर आता है और सारी कंट्रीज में जो अभी तक ये कहते थे कि यूरोपियन यूनियन ने हमारी आइडेंटिटी को सब्स्यूम कर लिया है, वो अब इस बात से ज्यादा डर गए हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारी आइडेंटिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। स्वीडन की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन इस देश के लिए पहचान का मुद्दा अहम है। यूरोपीय यूनियन में होने के बाद भी स्वीडन ने एकल मुद्रा यूरो को मंजूर नहीं किया है। स्वीडन के कई लोग आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याण सेवाओं में कटौती को लेकर चिंतित हैं। बढ़ते अपराध भी फिक्र की वजह है। दक्षिणी शहर मोलमो को यूरोप में बलात्कार की राजधानी कहा जाने लगा है। कई लोग बढ़ते अपराधों के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन आंकड़े इस दावे का समर्थन नहीं करते। हालांकि हर्षपंत कहते हैं कि आंकड़े आगे करके लोगों की सोच को नहीं बदला जा सकता है। आंकड़े अगर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो परसेप्शन है, जो एक डिस्कोर्स है, जो एक नैरेटिव है, वो ये बन गया है कि जब आपकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है तो आप किसी को आप ब्लेम करते हैं। इसमें माइग्रेंट्स आपके पास एक आसान सा टारगेट है, उसको ब्लेम किया जाता है कि देखिए क्राइम बढ़ रहा है तो क्योंकि इमिग्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, इससे बढ़ रहा है। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्राइम हो सकता है ज्यादातर स्वीडिश नेशनल्स जो कर रहे हो। हर्षपंत ये भी कहते हैं कि प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर गुमान करने वाले स्वीडन में जो बदलाव दिख रहे हैं वो मुख्य धारा के राजनीतिक दलों की खामियों की ओर इशारा करते हैं। तो क्या स्वीडन की उदार, प्रगतिशील और खुशनुमा देश की पहचान खतरे में है? इस सवाल पर प्रोफेसर सरकार कहती हैं, एक चीज जो आपको और शायद देखना चाहिए वो है कि वहाँ पे काफी रोबस्ट सिविल सोसाइटी है और कई एनजीओज है जो काम करते हैं। सिर्फ स्वीडन में नहीं है, नॉर्वे में भी है, जो लोग बहुत मदद करते हैं सारे रेफ्यूजीज के। तो इनकी अपनी एक पहचान रही है, वो पहचान इतनी जल्दी मिट के एक एकदम नए सिरे से हो जाएगा ऐसे मुझे नहीं लगता है। स्वीडन भी अपनी उस पहचान को बचाना चाहता है जिसके जरिए मिली बहुआयामी कामयाबी को देखने दशकों से पूरी दुनिया यहाँ आती रही है।